कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये ऑफर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। KGF अपनी जगह, पठान अपनी जगह, लेकिन यश अपनी जगह और शाहरुख खान अपनी जगह। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बारे में। उनकी मूवी पठान की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है और इस मूवी ने तहलका मचा दिया है और हद से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं फॉरेन में। जी हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मूवी ने इंडिया को छोड़कर फॉरेन में रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यही तो पावर है शाहरुख खान की। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो साल 2022 था वो रॉकिंग स्टार यश के नाम लिखा गया था। जी हाँ, क्योंकि साल के शुरुआती दौर यानी 2022 में KGF 2 ने आते ही सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। जी हाँ, ट्रिपल आर के भी रिकॉर्ड को तोड़ डाला था और पूरा का पूरा 2022 उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बॉलीवुड डूबेगा तो उसे बचाने उसका बादशाह ही आएगा। वैसे ही 2023 के शुरुआती में शाहरुख खान अपनी पठान मूवी के साथ उतर चुके हैं मैदान में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है। कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको परफेक्ट डिटेल दूंगा कि हो चुकी है और कहां कहां इस मूवी के हाउसफुल हो चुके हैं। जी हाँ, इस मूवी के हाउसफुल भी हो चुके हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी मूवी को आने में पूरे के पूरे 4 दिन बाकी है और मूवी की एडवांस बुकिंग जिस दिन खुलने वाली थी उससे 1 दिन पहले ही खुल गई रात में और एडवांस बुकिंग इतने शोरों शोरों से चल रही है कि मूवी आग लगा देगी आग। तो चलिए पहले आपको बताता हूँ कि इस मूवी को कितने शोज मिले हैं। इस मूवी को इंडिया में 6,000 शोज मिले हैं। जी हाँ, अपने भारत में इस मूवी को 6,000 शोज मिले और फॉरेन कंट्रीज में इस मूवी को अप्रोक्स 4,000 शोज मिले हैं। मींस टोटली अगर हम देखें तो ऑल ओवर मूवी जो है वो 10,000 शोज के साथ रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड। और बात करें अगर मुंबई की तो मुंबई में इसके 980 शोज लगने वाले हैं और आपने मुंबई के गैलेक्सी गैटी थिएटर का तो नाम सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सिनेमा हॉल फुल हो जाए तो समझ लीजिए मूवी हिट ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई के गैटी सिनेमा हॉल के सुबह का शो सारा का सारा फुल हो गया है। जी हाँ, जो 9 बजे का शो है वो कम्प्लीटली फुल है और बहुत टाइम बाद फिर से ऐसा हुआ है कि किसी बॉलीवुड मूवी की जो रेटिंग है मींस जो इसका इंटरेस्ट है बुक माई शो पर 5 लाख तक पहुंच गया है। जी हाँ, शाहरुख खान की पठान मूवी का इंटरेस्ट जो है वो बुक माई शो पर 5 लाख जा चुका है। अब पहले बात करते हैं कि मूवी ने फॉरेन कंट्रीज में अपना क्या जलवा दिखाया है। तो मूवी ने फॉरेन कंट्रीज में इतना तगड़ा जलवा दिखाया कि जर्मनी में इस मूवी की फैब तक की सारी बुकिंग फुल हो गई है। जी हाँ, अब कोई भी बुकिंग नहीं हो रही है, वो सीधी बुकिंग होगी फरवरी में। और जो शाहरुख खान का क्रेज है और उनका जो मार्केट है वो यूएसए में भी ज्यादा माना जाता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूएसए में भी इस मूवी की बुकिंग बहुत शोरों शोरों से चल रही है। मोस्टली शोज बुक हो चुके हैं। इससे पहले यूएसए में सबसे ज्यादा बिकने वाले शोज थे शाहरुख खान के, वो दिलवाले मूवी के थे। अब शाहरुख खान खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, उससे ज्यादा शोज बुक हो चुके हैं यूएसए में। इंडिया में इस मूवी की 3,60,000 टिकटें सोल्ड हो चुकी है। जी हाँ, 3,60,000 इंडिया में ये टिकटें बिक चुकी है मूवी की रिलीज होने से 4 दिन पहले ही। अब बात करें अगर हम रोकड़े की तो ऑल ओवर इंडिया में ये मूवी 10 करोड़ रुपए की टिकटें बेच चुकी है। जी हाँ, मूवी की अभी 4 दिन बाकी है भाई रिलीज होने में, अभी ही इसकी 10 करोड़ की टिकट बिक चुकी है। तो मैं तो कहता हूं आप मुझे बताइए कि आप थिएटर जाने वाले हैं शाहरुख खान की इस मूवी को देखने के लिए या बायकॉट गैंग के साथ हैं जो कि कह रही थी कि वो इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने देंगे और इस मूवी की एडवांस बुकिंग इतनी ताबड़तोड़ हो गई है, क्या हो रहा है ये। तो चलिए इन सब के दौरान मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।